ये दिल्ली के एक शहर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की घटना है। मुझे द्वारका की मेट्रो पकड़ने के लिए ऊपर जाना था। लोगों की इस चलती फिरती भीड़ में जहाँ किसी को कोई नहीं दिखता, वहाँ मुझे वो दिख गया। नीली शर्ट, काला चश्मा, बिखरे बाल, लहजे में सवाल, यू फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पर ऑलमोस्ट लटका हुआ वो जाने किसका इंतजार कर रहा था। कभी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखता, कभी नीचे, कभी इधर उधर, और फिर अपनी घड़ी। मुझे कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ था जैसा उस दिन उसे देखकर हुआ। नहीं, वायलिन पर कोई DDLJ की धुन नहीं बजी, ना ही फूल गिरे, ना ठंडी हवाएं चली, ना ही हमारी नजरें मिली। इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था कि शायद होगा। मगर सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे ग्लोबल वार्मिंग से पिघलती बर्फ अचानक थम गई हो, पानी से उछलती डॉल्फिन अचानक हवा में थम गई हो, जैसे मेरे आसपास की सारी हवाएं मेरे इर्द गिर्द आकर ठहर गई हो, जैसे मेरे दिल ने कहा हो कि बस मुझे अब नहीं धड़कना। वो भीड़ में मुस्तरीबी से ढूंढता है मुझे, दिल बहलाने को ये ख्याल बुरा तो नहीं। तभी एक ख्याल ने मुझे खटखटाया और ये बताया कि मुझे देर हो रही है। मैंने जेब से फोन निकाला, टाइम देखा और जाने से पहले उसे एक लास्ट व्यू देने के लिए ऊपर देखा तो देखा कि जनाब अपने एविएटर्स हटा के अपने दाएं हाथ के कोने से अपनी बाईं आंख पोंछ रहे हैं। व्हाट इज इट क्राइंग? कोई इतना हैंडसम लड़का एक मेट्रो स्टेशन पर अकेले खड़े होके कैसे रो सकता है? मैंने कंफर्म करने के लिए उसे वापस देखा। अब वो आंसू नहीं पोंछ रहा था, बट फॉर सम रीजन समहाउ आई नो क्राइंग। मुझे पहली बार एलिवेटर्स बहुत बुरे लगे। अपनी सांसों को काबू करते हुए मैंने कहा, हे हाय। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं उसे प्रपोज कर रही हूँ और फिर धीरे से कहा, हाय। इस हाय में क्वेश्चन मार्क साइलेंट था। मैंने उसको कंफर्टेबल करते हुए कहा कि मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हैं, इज देयर एनी वे दैट आई कैन हेल्प? नो थैंक्स। एम्प्टीनेस नेवर साउंडेड सो रूड। मैंने ये बात खत्म करते हुए कहा कि मैंने आपको रोते हुए देखा था, इसलिए सोचा कि पूछ लो, पर खैर कोई बात नहीं। और अपनी जिंदगी की सबसे झूठी स्माइल देकर मैं वहां से निकल गई। सारे सवालों के जवाब ना में ही मिलेंगे क्या? जियूं मैं, मुस्कुराऊं, मर जाऊं क्या? प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन आने में अभी 3 मिनट बाकी थे। इतने में पीछे से आवाज आई, हे आई एम सॉरी। नीली शर्ट, काला चश्मा, बिखरे बाल, लहजे में सवाल, यूं मेरी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ वो। मैंने कहा, इट्स ओके, मेकिंग हिम फील दैट इट वॉज एक्चुअली नॉट, अपॉलजी ओवर अ कॉफी, उसने माफी मांगने के लहजे में पूछा। उस दिन मेरे गुस्से ने मुझे धोखा दे दिया। जिंदगी ने अचानक ही दोस्ती का एक खूबसूरत तोहफा दे दिया। कॉफी पर हमने बहुत सारी बातें की। उसने अपना नाम करण बताया। उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में पिछले 10 साल से था, उसने अपने परिवार के लिए इसे छोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसा लग रहा होगा। करण और मैं अब भी दोस्त हैं। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ खुश हैं एंड दे आर गेटिंग मैरिड सून। मैं अब भी जब कभी राजीव चौक जाती हूँ तो ऊपर देख लेती हूँ। आप भी देख लिया कीजिए, बात करने से बहुत कुछ हो जाता है। एक उसूल चलता आ रहा है जमाने से, जिंदगी रुकती नहीं किसी के जाने से।